जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक खास मकसद है। मेरे इस रविंद्र फौजी जो चैनल है, इसके ऊपर एक कमेंट आया है, दो तीन बंदों के कमेंट है, और मैं उनके जवाब देना चाहता हूं। एक हमारे अफसर साहब है, सबसे पहले मैं उनका कमेंट्स पढ़ देता हूं, और कमेंट्स इसके साथ साथ और भी बंदों के हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि कुछ बंदों ने यह भी सवाल किया है कि सर, आपका जो सहायक प्रथा के खिलाफ रिट लगाने वाले का क्या हुआ? तो सबसे पहले मैं अपने सभी जवानों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे जो सहयोग मिला है वो काफी अच्छा सहयोग मिला है, और हमने वकील, दो वकील दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लिए कर दिए हैं। वो हमारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में ड्राफ्टिंग वगैरह, वकालतनामा और बहुत से चीजें जिनमें समय लगता है, और खासकर इस समय कोरोना का समय है, इसकी वजह से इस केस में थोड़ा डिले हुआ है। और मैं लगातार वैसे वकीलों पर प्रेशर भी बना रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को जो कहा था कि हम 25 अगस्त को इसको फाइल कर देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, उनकी भी कुछ मजबूरी है, उन्होंने बहुत से लोगों से बात भी कराई कि वास्तव में इस समय सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग करना, जो रजिस्ट्रार बैठता है, बीच में उसको कोरोना हो गया था तो कुछ दिन के लिए वो फार्म वगैरह जो लेते हैं वो नहीं मिल पा रहे थे, तो इसकी वजह से डिले हो रहा है। अभी हमारा सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है हमारी ये PIL दाखिल हो जाए। ये चीज तो आप 100% मानो कि ये याचिका दायर होगी। मैंने शुरू में ही कह दिया था, कुछ लोगों ने कहा भी था कि भाई लगातार अकाउंट नंबर दे रहा है, पैसे बना रहा है, बहुत से कमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो शुरू में ही मैंने बता दिया था कि पैसे आए या न आए, मैं ये याचिका दायर करूंगा 100%। मैंने छाती ठोक कर कहा था कि मैं एक भारतीय सेना का जवान और जवान के साथ साथ एक राजपूत हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। जो मैंने वचन दे दिया था, मैंने कहा था कि मैंने मेरी पेंशन से 7 लाख रुपए इसी काम के लिए निकाले थे, और किसी भी वजह से मेरा कोई एक दिन का नहीं था कि एक दिन मैं आ गया और ये काम करने, बहुत दिनों की सोची समझी, बहुत दिनों से मैं सिस्टम से दुखी होकर मैंने ये चीजें की थी। उसी सिलसिले में मैं चाहता हूं कि कुछ एक सवाल जवाब, एक हमारे बंदे ने कहा है, एक अफसर साहब का जो कमेंट्स है, आपको मोटा मोटा मैं कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा, जिसमें उसने कहा है कि भाई नौकरी नहीं करनी तो घर चले जाओ, ये सिस्टम बहुत जरूरी है, जवानों में और अफसरों में तालमेल के लिए बड्डी बहुत जरूरी है, और ये लीगल है, कानून में इसकी हमें इजाजत दी है। ये हमारे एक अफसर है जिन्होंने कहा है, ये कमेंट्स में पढ़ूंगा, कुछ और लोगों के कमेंट्स भी हैं वो भी पढ़ूंगा। सबसे पहले आज फिर, क्योंकि हमारे पास वकील को देने के लिए पैसा आ चुका है, इसकी मतलब वकील के लिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको कोर्ट में डालेंगे और कोर्ट में डालते ही हमें मीडिया और बहुत प्रकार से इसको हाईलाइट करना है, उसके लिए अभी भी हमें सहयोग की जरूरत है। आज फिर मैं मेरा ये अकाउंट नंबर और ये मेरा फोन नंबर दोनों चीज दे रहा हूं, जो भी लोग हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार हमारे पास अच्छा सहयोग है, और हम इसको इतना मजबूत करना चाहते हैं कि मीडिया में भी, बहुत से लोग कहते हैं कि सर बड़ी न्यूज में, जैसे नेशनल न्यूज में दिखाओ, अखबार में दो, तो भैया आपको बता दूं कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो बोलते तो हैं ईमानदार, लेकिन ये ईमानदार तभी है या तो हमारे पास स्ट्रेंथ इकट्ठी हो, यानी अगर हम धरना दें, कुछ भी दें, तो उसमें हमारे पास मैन पावर इतनी हो कि ये मजबूर हो आने के लिए, दूसरा इनके पास ये चढ़ाओ चढ़ाओ तो आते हैं, और इस समय कोरोना के समय में हम भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते, तो हमें जरूरत पड़ेगी पैसे की, और इसीलिए मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। जिन्होंने दिया उनका धन्यवाद, और भाई सहयोग करें ताकि हम इस लड़ाई को इस बार आर पार की और मजबूती से लड़ सकें। अब सबसे पहले मैं एक बार उसका कमेंट्स पढ़ देता हूं और फिर उसका जवाब भी दूंगा इसी वीडियो में। ये कमेंट्स इसने लिखा है, पहले इसने दांत फाड़े हैं, ही कहा है, जिसको फौज में काम नहीं करना अपने घर जाओ। जिसका आप वीडियो देख रहे हैं उसने अपनी सर्विस
मैं कुछ नहीं बोला, पूरी पेंशन ली और अब घर जाकर सहायक सिस्टम के बारे में बोलता है सब झूठ है। ये श्रीमान जी कह रहे हैं सब झूठ है। आप इसी चैनल में आज जो मैंने वीडियो डाला था हमारे एक जवान का, उसमें देख सकते हैं ये कमेंट्स आया हुआ है। अच्छा, इसने कहा है इस ऐसा अधिकारी जिसे जैसे अफसर शाही होती है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसने कहा कि अफसर शाही सेना में नहीं चल रही है, फौज में आए हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस श्रीमान जी ने कहा है कि फौज में आए हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके सभी कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा, पहले इसको मैं पढ़ लेता हूं। अच्छा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई जुल्म नहीं होता है जवान पर, पट्टी सिस्टम बहुत जरूरी है, ला में लीगली इनको ऑथराइज है, ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके बाद में है बड्डी सिस्टम जवानों और अफसरों में भाईचारा पैदा करता है, पर उनकी मैं क्या बोलते हैं, जवानों में भाईचारे के लिए जरूरी है। हर जगह में कुछ डिफाल्टर होते हैं, पर उनकी वजह से अच्छे सिस्टम को दाग मत लगाओ। फौज में, फौज एक परिवार है जो बड्डी और अफसर एक फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली मेंबर जैसे हैं। इसका ये कमेंट्स मैंने पढ़ दिया है, अब मैं इसका एक एक पॉइंट का जवाब देता हूँ। और भी दो तीन बंदे हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमारे कुछ एक DNA हवलदार जी आते हैं, बहुत दिन से तो चुप है वो, जिस दिन मैंने एक वीडियो में उसको अच्छी सी गाली दी थी। आज मेरा इरादा नहीं कि मैं किसी को गाली दूँ, जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज जो भी है शांति से पूरा वीडियो में किसी को कोई गाली नहीं दूंगा, आराम से बात रखूंगा। अब इनका बात, इसने जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो इसने लिखा है कि मतलब जिसको फौज में काम नहीं करना है अपने घर चले जाओ, ये अफसर साहब कह रहे हैं। और इनके और भी कमेंट्स हैं इसमें, 10-12 लोगों ने जवाब दिया है। सबसे पहले तो मैंने इसको आप देख सकते हो, मैंने एक पॉइंट लिखा था कि आप कह रहे हैं कि बड्डी लागू है, तो मैंने इनको लिखा था कि आप अगर लिखित में आपके पास है तो हमें दिखाएं, लेकिन इस श्रीमान जी ने मेरा जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर इसने लिखा है कि मेरे लिए नेशनल बहुत बड़ा है और मैं एक सिविलियन हूं और लायर हूं, लेकिन आपके वीडियो देखकर मैं कमेंट्स कर रहा हूं। हालांकि हमारे बहुत से भाइयों ने कहा है कि जो फौज की इतनी अच्छी डिटेल बता रहा है तो ये लायर नहीं अफसर है, साला झूठा बनकर यहाँ जरूर मेरा का मेरा मतलब जो बोलता है तो मेरा को कहना जरूरी है कि झूठ भी क्यों बोल रहा है, अफसर है और तू लायर बनकर बोलता है कि मैं। और भी बहुत से इसके पॉइंट हैं जिनको अगर आप सुनोगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये लायर नहीं एक अफसर है। अच्छा, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ मोटे मोटे पॉइंटों का। इसने पहले कहा तो कहा कि नौकरी नहीं करनी है तो घर चले जाओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जवान घर चले गए तो क्या तुम्हारे जो टेंटों में बैठकर चादर तानकर एसी में सोने वाले अफसर ड्यूटी कर लेंगे क्या? देश को बचा लोगे क्या तुम लोग? ये जवानों की छाती है, जवानों का सीना है जो पाकिस्तान से आने वाली हर एक गोली को पहले अपने ऊपर झेलता है। आप लोग टेंटों में सोते हो, एसी रूम में सोते हो, टॉयलेट तक, एक जेसीओ साहब ने मेरे पास एक ऑडियो भेजा था, वो हालांकि अभी डिलीट हो गया, कि सर इनके टॉयलेट में भी एसी लगे हैं, ये क्या काम करेंगे? ये इनका पहला जवाब था। उसके बाद इन्होंने एक लिखा है कि सर्विस रहते मुंह नहीं खोला और अब पेंशन लेकर इनको बात आ रही है। तो सुन, सर्विस रहते भी आप मेरा रिकॉर्ड मेरी रेजिमेंट से 64 असॉल्ट इंजीनियर से मांग लेना कि कितनी बार नाम ही प्रसिद्ध था मेरा टाइगर की तरह और मैं हर एक पॉइंट को खुलकर बोलता था, बाकी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पता कर लेना। ये जनरल बिपिन रावत तक अभी मैं रिटायर्ड होने के बाद भी मिलकर रखा हूँ और यहाँ भी चौड़ी छाती करके बोला था कि जो मैं बोलता हूँ 100% सही बोलता हूँ और गलत हूँ तो इंडिया गेट में फांसी लगा देना, या जो करने वाले गलत हैं उनको सुधारो, समझा? पेंशन ले रहा हूँ तो मैंने देश सेवा की है और वो मेरा हक है, तेरे बाप की तिजोरी से नहीं लेता हूँ। भारत सरकार एक जर्नल को या तुम्हारे जितने भी अफसरों को जो आप ले रहे हो पेंशन, वो मेरा भी हक है, मैंने अपनी ड्यूटी की है, मैं भी ले रहा हूं, उसमें तुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में इसने कहा था
कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुत्ते घुमाने वाला कौन सा हार्ड वर्क है, अफसर की बूट पॉलिश करने वाला कौन सा हार्ड वर्क है, मैम साहब के कपड़े धोना, कच्चे बनियान धोना हार्ड वर्क है क्या? अरे हार्ड वर्क तो वो है जिसके लिए तू बोलता कि किसी जवान को ड्यूटी के लिए अगर जवान मना करे, ग्लेशियर की -45 डिग्री में भी जवान खड़ा है और इधर तपती रेत रेगिस्तान की धूप में भी जवान खड़ा है, वहां अगर किसी जवान ने मना किया हो तो हम मानते हैं कि हाँ जवान गलत है। लेकिन तू इनको हार्ड वर्क बता रहा है कि हमें इनके कच्चे बनियान धोए, इनके कुत्ते घुमाएं, इनके घर में इनके लोन सफाई करें, यह हार्ड वर्क है क्या? शर्म आनी चाहिए तेरे को कॉमेंट्स लिखने से पहले, 4 बार सोचना चाहिए था। मैंने हर वीडियो में कहा है कि जिस दिन मेरे वीडियो में लाइक और अनलाइक का स्तर, अनलाइक का स्तर बढ़ गया, उसी दिन इस चैनल को बंद कर दूंगा, सब कुछ तोड़ फोड़ के, और अपने आप को गेट पर, वो भी इंडिया गेट पर, दिल्ली में फांसी लगाऊंगा अगर मैं गलत जिस दिन साबित हो गया तो। आज के दिन का जो रेशियो है 1000 लाइक के बदले 3 या 4 अनलाइक आते हैं, वो कोई वैल्यू नहीं रखता। जिस दिन 50% भी आ गए, 50% भी अनलाइक हो गए, उसी दिन ये चैनल हटा दूंगा, अपने आप को फांसी पटाक दूंगा, ये वादा करता हूँ रविंद्र फौजी, और एक राजपूत का वादा है रविंद्र शेखावत का, उसी दिन अपने आप को वहां टाक दूंगा अगर मैं गलत जिस दिन साबित हो गया तो। और कॉमेंट सेंड के पढ़ता हूँ, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि बहुत जगहों पर यह सिस्टम जरूरी है फील्ड के दौरान, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फील्ड में वहां अफसर वहां बैठा है और हमारी सबसे बड़ी राजधानी दिल्ली के अंदर कितने सैनिक, सबसे ज्यादा सैनिक दिल्ली के अंदर इन अफसरों के क्वार्टरों में आ रखे हैं, वो कौन सी ड्यूटी है? किस कानून में लिखा है कि एक कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके घरों तक के, यहाँ तक कि बहुत से सीओ ने तो अपने माँ बाप के पास भी बंदे भेज रखे हैं, कौन सी ड्यूटी कहता है तो? उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इससे तालमेल बढ़ता है, जवानों के अंदर इतनी हीन भावना पैदा होती है इस सिस्टम के कारण, जो बहादुर जवान जिन्हें लड़ाई लगना है, बोलते हैं ना जंग लड़ने के लिए तैयार है वो सैनिक, जिनको नपुंसक बनाता है ये सिस्टम। हमारे एक भाई ने कॉमेंट्स लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था कि सर जिन जवानों को लड़ाई लड़नी है उनको 20-30% जवान तो जूते पॉलिश कर करके 10 साल से मतलब ट्रेनिंग के बाद में सीधा उनको ट्रेनिंग में नहीं करने देते, ये वहीं से पकड़ लेते हैं जो कमजोर जवान है और उसको फिर इसी सिस्टम में, और एक बार वो जवान इसमें घुस जाता है तो वो भी मजबूर समझ लेता है, जैसे बोलते हैं ना कि जब नाम लिखा लिया उसमें तो डरना क्या है, तो फिर ये नाम जिसका लिख जाता है, जो जिसकी शर्म चली जाती है, वो जवान बहादुर होते हुए भी हम कमजोर को भी बहादुर बना सकती है सेना ट्रेनिंग के माध्यम से, लेकिन ये तो बहादुर को भी कमजोर कर देते हैं जूता पुलिस और कुत्ता घुमा घुमा कर। जो 10-10 साल जवान इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, जिसने किसी भी फौज की गतिविधि में भाग नहीं लिया, वो लड़ाई लड़ने आने समय आने पर लड़ाई लड़ेगा, वो खुद भी मरेगा और बाकी सैनिकों भी को भी मरवाएगा। ये बोलते हैं कि तालमेल, जवानों और अफसरों के तालमेल के लिए बड्डी सिस्टम जरूरी है। कौन सा तालमेल है भाई? तुम मैं जो वहां फील्ड में बैठे हो, जवान को तालमेल करना है तो वहां ड्यूटी पर जाकर 2 घंटे किसी पोस्ट पर बैठ कर दिखाओ तालमेल ही करना है तो जाओ। तुम्हारा कौन सा तालमेल है कि यहाँ तुम्हारी वाइफ के पास बंदा बैठा है, तुम्हारी माता पिता के पास बंदा काम कर रहा है, तुम्हारे घर में 2-3 बंदे काम कर रहे हो, तुम वहां बैठे हो, कौन सा तालमेल कर रहे हो भाई? इनका मैंने मोटा मोटा जवाब दिया है। इसके बाद इनके 1-2 पॉइंट और हैं, जवानों ने भी जवाब दिए हैं, थोड़ा मैं वो भी पढ़ देता हूं। मैंने वो पढ़ ही दिया था कि इसने सिविलियन बताया था, मैं किसी है। इसने लिखा है वैसे, मतलब कितना झूठ बोल रहा है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि सहायक इसने पढ़ा, मैंने जो पॉइंट मारा था उसने, इसने लिखा था कि मैंने कहा था कि भाई किस आर्मी ऑर्डर में या किस में लिखा है, तो इसने किताब का नाम लिखा है, हालांकि उस किताब में मैंने सारी चीज़ें देख ली, कहीं भी नहीं है। एक वार स्टिबलेट बुक होती है जो हमारी आर्मी एक्ट 1915 में कर्नल एंड अबव को 2 या 3 जैसियों के पास सिर्फ वार पीरियड के दौरान इनके लिए बड्डी लागू था, लेकिन आज इनके सराय बता दिया, जैसे मैंने बार बार कहने की जरूरत नहीं कि कैप्टन से लगाकर मेजर सबके घर में जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इतनी सैलरी नहीं जितने लोगों को ये रख रहे हैं। मैंने ट्विटर में भी आज प्रधानमंत्री को बताया है कि
एक जवान की सैलरी के अंदर हम 5 सिविलियन रख सकते हैं अगर इतने ही, ये बोलते तो हैं कि हार्डवर्क, जो हमें ही लागू है क्या, तुम्हें हार्डवर्क नहीं लागू, तुम क्या सारे के सारे गधे बनना चाहते हो कि आप सर क्या कि बिल्कुल इतने आड़कसी बढ़िया की तरह जो बिल्कुल कि बस पड़े पड़े कुछ काम नहीं कर सकते, उनको इतना आड़कसी बना दो, कल लड़ाई होगी जिससे कारगिल में, फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इस विषय में, समय बताएगा कि इस प्रथा का अंत कैसे होगा, और नहीं होगा तो एक दिन सैनिकों का जो 1857 है ना वो कैसी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो समय आने बताऊंगा, आज मैं इसके ही जवाब देना था मैंने। अच्छा इन्होंने और जो कमेंट्स लिखा था, दिस नेशनल ब्रदर अगर दुनिया वीडियो से चलती कितना अच्छा होता, पर सच और होता है, मैं किसी को बुरा कुछ पॉइंट उन्होंने रखा है कि भाई आपका जो तरीका है सोशल मीडिया के लिए ठीक नहीं है, वहां रहते पॉइंट उठाते हो, तो वैसे आज उस वीडियो में पहले ही हमारे जवान ने बता दिया कि जिस जिसने वहां रहते हुए पॉइंट उठाया उसको या तो टाक दिया गया फांसी पे, या उनको घर भेज दिया गया या टॉर्चर किया गया, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ, मैंने बता चुका कि किस तरह मेरे साथ हुआ था, और एक मेजर और मेरा मतलब एक तरह का उसकी फैमिली से झगड़ा, वो झगड़ा मेरी पूरी लाइफ इसमें बिगड़ी है, लेकिन मैं मजबूत था, झेल गया। बहुत से लोग, एक लड़के ने लिखा भी था कि भाई झूठ बोल रहा है, कोई एक का नाम दो कि किसने फांसी लगाई, राव मैथ्यू इसका उदाहरण है, पूरी मीडिया में बात चली थी, उसको बोलते हैं फांसी खाया नहीं इन लोगों ने, मारा है, और ऐसे बहुत से केस हैं जो फाइलों में बंद है। लैशना एक थपलियाल जो दिल्ली में एक कर्नल के क्वार्टर में फांसी लटका हुआ पाया था, जिसको बदली कर कर भेजा गया था, दूसरे तीसरे दिन ही वो बंदा डेड हो गया था, वो भी पॉइंट उठाया था, मरा नहीं मारा गया था, और बहुत से बता रहा हूं कि बातें दबी हैं आएंगी सामने। कुछ लोगों के पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया में मत जाओ, तो मैं उनसे कई बार पूछ भी चुका हूं कि बाकायदा हमें ऐसा कोई रास्ता बता दो कि बिना सोशल मीडिया के लोग ये चीजें ठीक हो जाएंगी। फाइलों में बहुत से लोगों ने शिकायत की, मैं आज 2017 में पहले मैंने शांति से धरना देकर शांति से इनको लेटर लिखा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रक्षा मंत्री सेना अध्यक्ष सबको कहा था, इन्होंने कहा था कि हम बंद कर देंगे, हम सिविलियन भर्ती कर रहे हैं, अरे तुम भर्ती करो चाहे 10 रखो 50 रखो, हमें तुम्हारे उससे कोई एलर्जी नहीं है, एलर्जी है कि हमारा जो भाई है जिसने वर्दी पहनी उस वर्दी में दाग लगा हुआ है, इस सहायक सिस्टम का वो बंद होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा आज का मकसद सिर्फ यही था, केस 100% होगा, इस तरह के जो लोग कहते हैं किसी भी कानून में कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा कि इनके घर में जाकर जवान इनकी पर्सनल काम करे, घरेलू काम करे, और मैं जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस घरेलू काम से 20-30% जवान हमारे जो बहादुर जवान जिन्हें जंग लड़ना था वो जंग नहीं, उनको खुद को जंग लग चुकी है, और क्या देश ये चाहता है कि आप उन लोगों को सलामी दें जो सिर्फ बूट पॉलिश करते रहते हैं, उन्हीं को ये रैंक में भी नंबर दे देते हैं, फलाना देते हैं, ऐसे और भी पॉइंट हैं आने वाले समय में जिसको हम उठाएंगे, लेकिन पहले इस प्रथा का खत्म हो जाए, इस खात्मा के साथ ही, चाहे वो वेटरगिरी का काम हो, MSP हो, चाहे मिलने वाले अलाउंस हो, इनमें सारे में जो भेदभाव हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म होगा, और उसके लिए आपको फिर कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को चैनल से जोड़ें, हमें जैसे भी समय मिलता है, क्योंकि मेरे भी कुछ घरेलू वर्क भी हैं और भी बहुत से फोन आते रहते हैं, कुछ लोगों के लगातार सब मेरे जमीन का मसला है, मेरे का भाई का झगड़ा है, मैंने कई बार कह भी दिया कि जब तक मैं इस केस में हूं, अपने पर्सनल मैटर आप खुद हल करो। इस चैनल से हम चाहते हैं कि वो लोग जुड़े जो अपनी नहीं दूसरों की समस्या को उठाएं, सार्वजनिक मुद्दे जिनमें लगता है कि इनमें सबका भला हो सकता है उनके लिए हमसे जुड़ो, पर्सनल मुद्दों के लिए नहीं। बहुत से लोग जैसे सर मैं जुड़ गया, मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, और 2 दिन में ही पहले तो कहेंगे कि सर मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, और दूसरे दिन सर मेरा जमीन का मुद्दा था, तो भैया हम आपको तरीका बताएंगे, अगर नहीं होता तो हम साथ भी देंगे, लेकिन पहले आज हमारा इस मुद्दे में साथ दो, और जैसे भी आगे की सूचना होगी मैं देता रहूंगा। कॉमेंट्स बहुत है लेकिन वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो रहा है, तो इतना अगले वीडियो में जैसे भी सूचना होगी मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।